अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। इट इज़ अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ रोमन्स। रोमन कल्चर इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस। जैसा कि आपने इससे पहले सिविलाइजेशन में भी पढ़ा है, ग्रीक के बाद रोमन जो है कन्क्वर हुए थे। हमें रोमन सिविलाइजेशन के ऊपर जो प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं उसमें प्रिमिटिव कल्चर्स हैं ऑफ द एरिया। रोम वाज फाउंडेड इन, देवर पीजेंट्स एंड वॉरियर्स। फिर उसके बाद है एट्रूरियन सिविलाइजेशन जो कि अर्बन थी और ऑफरिंग कल्ट टू द एंसेस्टर्स। इसके बाद तीसरा जो इन्फ्लुएंस था वो ग्रीक एंड हेलेनिस्टिक पीरियड का था। दिस वाज द मॉडल द एम्ड एट इमिटेटिंग। इस इन्फ्लुएंस के नतीजे में क्या रिजल्ट आया कि फ्रॉम द इटालियन ओरिजिन्स प्रैक्टिकल सेंसेस आई, फंक्शनलिज्म वहाँ से स्टार्ट हुआ, मिलिट्री एक्सपेंशंस आई जो इम्पीरियलिज्म जिससे डेवलप हुआ, एंड फ्रॉम द इटूरियन रियलिस्टिक सेंस कल्ट टू द एंसेस्टर्स डेवलप हुआ, और ग्रीस से फिलॉसफी और लिटरेचर जो है इन दो फील्ड्स में डेवलपमेंट्स आई। जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमन आर्ट, इट इज़ प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन। इंटरेस्ट इन पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हमें इंजीनियरिंग की फील्ड में नज़र आती हैं और पब्लिक वर्क में नज़र आती हैं। मोनूमेंटेलिटी, बड़े बड़े मोनूमेंट्स इस टाइम पे क्रिएट किए गए। ग्रेट टेक्निकल एडवांसेस, क्लोजर टू शो रोमन पावर। इट इज़ कोमेमोरेबल एंड प्रोपगैंडिस्टिक। स्पेशल इम्पॉर्टेंस फॉर द इंटरनल स्पेस। इंटेग्रल व्यू ऑफ द आर्ट कंबाइनिंग ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी विद यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकल सेंस। अर्बन एरियाज़ में बहुत सारी बिल्डिंग्स डेवलप्ड हुई, बिल्डिंग सिस्टम्स डेवलप हुए, बाकायदा लेंटर डालने के मुख्तलिफ नए तरीके जो हैं वो इन्वेंट हुए, ग्रीक्स से कॉपी हुए बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग स्टाइल्स भी, फिलॉसफी भी, और इसके अलावा और बहुत से एलिमेंट ग्रीक से लिटरेचर वगैरह के अंदर बाकी डेवलप हुए, और स्ट्रेट लाइन जो है वो स्पेसेस डेवलप हुई, वॉल्टेड फीचर्स आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ से आए, टेकन फ्रॉम द एट्रूरियन, यूज़ ऑफ आर्चेस और वॉल्स और डूम्स स्पेशल टेक्निक के साथ बनाए जाने लगे और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, और बड़ी ह्यूज मैसिव किस्म के आर्किटेक्चर हमें यहाँ नज़र आते हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल्स सो दैट दे डू नॉट यूज़ एक्सटर्नल सपोर्ट्स। इस तरह की वॉल्स बनाई गई जिनको एक्सटर्नली सपोर्ट ना भी हो तो वो रिटेन हो सकें और उनके ऊपर डबल ट्रिपल स्टोरीज जो हैं वो बनाई जा सकें। ये कुछ बिल्डिंग टेक्निक्स की जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो चार्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं। वॉल्स देख लें, मेड इन वन ऑफ दीज वे, इस तरह से वो आपस में अशलर स्टाइल था ये वाला, और फिर मेसनरी स्टाइल था, फिर ब्रिक स्टाइल था। ये तीन तरह की डिफरेंट स्टाइल्स की वॉल्स जो हैं वो बनाई जाती थी, और मॉर्टर जो है वो यूज़ किया जाता था ताकि उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके और सॉलिड बनाया जा सके। ये बिल्डिंग टेक्निक्स थी। फिर है रोमन पेंटिंग्स। वॉल्स ऑफ रोमन डोमेस्टिक डिवेलिंग्स वर डेकोरेटेड विद फ्रेस्को एंड मोज़ेक्स। आपको पता है ये दो टेक्निक्स हैं पेंटिंग की। फ्रेस्को जो है वो वेट लाइम स्टोन के ऊपर किया जाता है, लाइम को प्रोसेस करके उसकी स्लैब्स जो हैं वो बना ली जाती हैं, और वेट लाइम के ऊपर पेंटिंग की जाती है। जब वो ड्राई होता है तो हवा की ऑक्सीजन लेके वो
अपनी जो अपर सरफेस है उसको क्लोज़ कर लेता है और एक शाइनी थिन सी लेयर पैदा हो जाती है और कलर्स उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं जो कि वेदर रेजिस्टेंट होते हैं। इसी तरह मोज़ेक वर्क जो है वो रियल सरफेस डेकोरेशन है। मोज़ेक का मतलब ये है कि कटिंग ऑफ कलर स्टोन्स और टाइल के पीसेस या इस तरह से पेस्ट करके कोई भी डिज़ाइन डेवलप किया जाता है उसे मोज़ेक कहा जाता है। और हमें रोमन्स के फ्लोर्स के अंदर वॉल्स पे और जगह जगह बहुत से मोज़ेक्स बने हुए नज़र आते हैं। मोज़ेक जो है वो रियल सरफेस डेकोरेशन है, जबकि कोलाज जो है वो पेस्टिंग ऑफ मटेरियल है, वो भी सरफेस डेकोरेशन है लेकिन उसमें रियल मटेरियल ऐड नहीं हुआ होता। इनमें से बहुत से मोज़ेक्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। दिस गिव्स अस अ लिंक टू ग्रीक पेंटिंग विच हैज़ नॉट सर्वाइव्ड। रोमन वॉल पेंटिंग वेंट फोर फेजेस, आर्किटेक्चरल स्टाइल, द इल्यूजन ऑफ स्पेस क्रिएटेड थ्रू हेरिंगबोन पर्सपेक्टिव, अ सिस्टम वेयर ऑर्थोगोनल वैनिश टू अ स्पेसिफिक पॉइंट अलॉन्ग अ वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड्स दैट कैनवस। बहुत ही टेक्निक के साथ ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं और बड़ा रिच पर्सपेक्टिव क्रिएट करती हैं। इस स्लाइड में आप डिफरेंट पेंटिंग्स को देख सकते हैं जो कि मिथ्स के ऊपर, माइथोलॉजी के ऊपर बनी हुई हैं और स्टोरी जो है वो ओल्ड स्टोरीज़ को बयान करती हैं, डेवलप करती हैं। इसके अलावा रोमन ममी पेंटिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई। द रोमन्स टुक द आइडियाज़ ऑफ ममीज़ फ्रॉम द इजिप्शियंस बट गिव देम रियलिस्टिक फेसेस। ममी पेंटिंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ वो दैट रोमन पैनल पेंटिंग लुक्स लाइक अ रियल पेंटिंग। इस तरह से उनके फेसेस को पेंट किया जाता था कि लगता था हकीकत का गुमान होता था और लगता था जैसे कोई रियल चीज़ जो है वो पड़ी हुई है। जबकि इजिप्शियन ममी पेंटिंग क्या थी, इजिप्शियंस मेड स्टाइलाइज्ड नॉट रियलिस्टिक फेस पेंटिंग ऑन देयर ममी मास्क। इवन इस कदर स्टाइलाइज होता था कि वो रियल से मैच नहीं करता था और वो बनाने यकीन ही नहीं आता था कि ये जो बनवा रहा है ये उसी की शक्ल बनी हुई है या उसी की ममी के लिए ये मास्क बना हुआ है। रोमन रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स, द रोमन्स मेड हेड्स ऑफ फेमस पीपल कॉल्ड बस्ट्स। These portraits showed people life like features. Other realistic portraits में portraits have been painted of leaders throughout history to show their authority. बहुत से हमें portraits मिलते हैं जिनमें emperors के हैं, prominent figures के हैं और उसके अलावा leaders वगैरह के portrait जो हैं वो बनाए गए थे। फिर है Roman sculpture. Much of Roman art is derived from that of Greece. However, their realistic portrait sculptures were wholly Roman. Wax death masks were made and often converted to bronze or terracotta sculptures. Romans के अंदर बहुत से ग्रीक influences मुख्तलिफ उसके ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन ग्रीक जो है वो थोड़ा सा स्टाइलाइज काम करते थे जबकि रोमन के स्कल्पचर्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर रियलिटी ज़्यादा नज़र आती है। वो रियलिज्म को ज़्यादा अच्छी तरीके से डिपिक्ट करते थे और बहुत से वैक्स के अंदर डेथ मास्क वगैरह बने हुए थे जिन्हें बाद में ब्रोंज वगैरह में या टेराकोटा में के स्कल्पचर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था मोल्ड बनाने के बाद। टेराकोटा आपको पता है, जैसे कि इससे पहले भी मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको बताया था कि टेराकोटा एक टेक्निक है जिसमें मिट्टी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को बना के हाई टेम्परेचर पे बेक कर लिया जाता है। तो वो बेक्ड फॉर्म में जो मर्ड के फीचर्स डेवलप हो जाते हैं उसे टेराकोटा कहते हैं। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ज़्यादा अनब्रेकेबल हो जाती है। दिस लेट रोमन स्कल्पचर टू बिकम मोर रियलिस्टिक डिटेल्ड। फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ आ रोमन रिपब्लिकन पीरियड 1st century BC मार्बल में ये बना हुआ है और उसकी हाइट जो है 143 by 8 inches है। Augustus was determined to create monuments that reflected Rome's power, glory, and influence of the Western world. During the Empire period, the pure realism of the Republican period portrait was joined with Greek idealism. The result was classical idealized bodies and poses with individualized heads
They also invented the equestrian portraits. Equestrian portraits क्या है? घोड़े के ऊपर घोड़सवार बैठा हुआ और उस अंदाज में जो पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे उसको इक्वेस्ट्रियन पोर्ट्रेट्स कहा जाता था। इस स्लाइड में आप डिफरेंट स्कल्पचर्स को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत और रियल फॉर्म में उसके एक्सप्रेशंस को और उसके फीचर्स को क्रिएट किया गया है, और ड्रेपरी को भी इतना खूबसूरती से, हालांकि ये स्कल्पचर है और इतनी खूबसूरती से काव किया गया है कि उसकी सॉफ्टनेस और उसकी वेव्स वगैरह सारी फील होती हैं। स्टोसिज्म सेड इट वाज बेस्ट टू बी इंडिफरेंस टू इमोशन एंड थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, मेंटेनिंग दैट वर्च्यू वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इन लाइफ। स्कल्पचर्स डिफर्ड फ्रॉम ग्रीक स्कल्पचर्स इन रोम, इंडिविजुअल्स वर रेंडर्ड इन portrait like likeness, the reliefs commemorate a specific event with specific persons present। आपको पता है स्कल्पचर जो है वो एक फ्री स्टैंडिंग फिगर होता है जिसकी चारों तरफ घूमकर आप उसे देख सकते हैं, जबकि रिलीफ जो है वो ऐसा है जिसके आप थ्री साइड्स को देख सकते हैं और फोर्थ वन उसमें फिक्स होती है। As a result of growing religious reliefs, sculpture began to reflect the new spiritualism. Constantine became the first Christian emperor, returned to attributes of the archaic style. This can be seen in the head of Constantine the Great. Next one is historical reliefs. It appeared in different locations, on altarpieces, triumphal arches, commemorative columns, sarcophagus. Historical relief characteristics: it aimed at glorifying immortality. They wanted to commemorate something important and propaganda. Now, first of all, technical characteristics. Historical relief ki technical characteristics kya thi? They were pictorial effects. Pictorial effects ko create karti thi. Aap unko dekhkar ek जो थीम था, जो स्टोरी थी, उसको अंडरस्टैंड करते थे। पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट प्लान्स, मूवमेंट एंड वॉल्यूम, लैंडस्केप एलिमेंट्स, एवोल्यूशन फ्रॉम नेचुरलिज्म टू रियलिज्म, इन्फ्लुएंस्ड ऑन रेनेसांस पीरियड। इन रिलीफ्स में हमें बहुत अच्छा सा मैनेज हुआ हुआ पर्सपेक्टिव मिलता है, और इसका वॉल्यूम, इसकी मूवमेंट्स वगैरह को बहुत खूबसूरती से कंट्रोल किया गया है। लैंडस्केप एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। इससे पहले जब हम देखते हैं बुद्धिज़्म की रिलीफ्स को देखते हैं या इजिप्शियंस की देखते हैं, तो उसमें इस तरह का रियलिज्म नहीं है, नेचुरलिज्म नहीं है, बल्कि आइडियलाइज तरीके से बनाया गया है और बड़े ही 3D जो उसमें पर्सपेक्टिव वगैरह का एलिमेंट है वो भी मिसिंग है, जबकि यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हुआ हुआ है। अल्टर पीसेस चर्च के अंदर मुख्तलिफ अल्टर पीसेस जो हैं वो रिलीफ्स के साथ डेवलप हुए हुए हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिशंस ऑफ ऑगस्ट टाइम्स, रिमेन्स द फ्रीजेस ऑफ द पार्थियन, बहुत ही उसके ऊपर फ्रीज की जो शक्ल एरिया है वहाँ पे रिलीफ्स काब हुई हुई हैं। ट्रायम्फल आर्चेस, टू ऑफ द मोस्ट फेमस आर दोज ऑफ टीटो एंड कॉन्स्टेंटाइन, they explain a historical event realistic with special references, different plans. इन दो आर्चेस के ऊपर सीरीज में पूरी एक जो कॉन्स्टेंटाइन की और टीटू की स्टोरी है वो पूरी रिलीफ फॉर्म में बनी हुई है इन दो आर्चेस के ऊपर। और उसके बाद है कोमेमोरेटिव कॉलम्स, द मोस्ट फेमस ट्रेजेंस कॉलम helicoidally organized, it narrates the campaign against the Dacians, numerous character perspective and landscape. ये ट्रेजन जो था वो किंग था, और उसके नाम पे ये जो कॉलम बना हुआ है उसके ऊपर उसकी जो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी और उसकी एफर्ट्स थी उनको रिलीफ की शक्ल में वहाँ पे काव किया गया है। फिर है सार्कोफेगस, द रिलीव्स आर ऑर्नामेंटल एंड मेमोरिस्ट, कंटिन्यूस डिपिक्शंस, एटलीस्ट द फ्रंटल पार्ट इज वर्कड, इट कैन बी कम्प्लीटली फुल ऑफ इमेजेस, करेक्टर में अपीयर लाइंग ऑन द टॉप।
जैसे कि ममिफिकेशन वगैरह में यूज़ होता था या कॉफिन्स वगैरह बनते थे, इसी तरह सार्कोफेगस भी जिसमें बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है और मुख्तलिफ़ वो चीज़ें सब के ऊपर हमें पेंटिंग्स भी मिलती हैं और यहाँ पे हमें रिलीफ्स भी मिलती हैं जो उन्होंने बनी हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ रिलीफ्स को, ये मुख्तलिफ़ हिस्टोरिकल रिलीफ्स हैं जो कि बहुत सारे करेक्टर्स को एक ग्रुप की फॉर्म में किया गया। इसमें आप देखें कि सेंटर ऑफ इंटरेस्ट जो है मेन जो ग्रुप है उसके ऊपर जाता है और उसको फोकस किया गया है, उसके साथ ही बैलेंस क्रिएट किया गया है और फिगर की रेंडरिंग जो है वो काफ़ी हद तक क्लोज टू रियलिटी है, मूवमेंट्स वगैरह को कैप्चर किया गया है और उसके अलावा ड्रेपरी की फॉर्म्स जो हैं वो खूबसूरती से हैंडल की गई हैं। नेक्स्ट वन इज़ रोमन मोज़ेक्स। अ मोज़ेक इज़ अ पिक्चर और डिज़ाइन मेड ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड स्टोन, ग्लास और ब्रिक्स। रोमन मोज़ेक ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, दिस मोज़ेक वॉज फाउंड इन अ रोमन होम इन पोम्पेई। अलेक्जेंडर ग्रेट का मोज़ेक बना हुआ है जो कि बड़ी खूबसूरती से पोम्पेई में मौजूद है। मोज़ेक पीसेज कैन बी मेड ऑफ ऑलमोस्ट एनी मटीरियल। टुडे पीपल मेक होम डेकोरेशंस लाइक मिरर्स एंड पेशियो फर्नीचर्स इनटू मोज़ेक्स। पैटर्न्स एंड पिक्चर्स मेड विद ज्योमेट्रिकल कट्स टाइल्स यूजुअली ग्लास और स्टोन हैव बीन अराउंड फॉर अ वाइल एज ओल्ड एज 3000 BC। रोमन्स हैड अ लॉट हाउस डेकोरेशन, स्ट्रीट आर्ट, बिल्डिंग्स डेकोरेशन ऑल आर all are decorated by mosaic work. Pompeii was covered with them. Mosaic में चूँकि surface decoration के ऊपर focus किया जाता है और colored tile के pieces या glass के या precious stones वगैरह को भी use किया जाता है, Roman के अंदर हमें ये बहुत ज़्यादा rich work नज़र आता है। ये कुछ old mosaics की example हैं, इस slide में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से कलर्स को कंट्रोल किया गया है, फॉर्म निकाली गई है और ड्राइंग को मेंटेन रखा गया है। हालांकि मोज़ेक जो है वो एक डिफ़िकल्ट टेक्निक है। नेक्स्ट वन है क्वाइनेज, कैमियोज एंड ग्लासवेयर। रोमन क्वाइनेज, एम्परर्स हैड देयर फेसेस पुट ऑन क्वाइंस ऑफ गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। क्वाइंस कुड सर्व एज अ फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा। वी स्टिल पुट द फेसेस ऑफ इम्पॉर्टेंट लीडर्स फ्रॉम हिस्ट्री ऑन US क्वाइंस टुडे। अक्सर कंट्री की क्वाइंस के ऊपर उनके इम्पॉर्टेंट लीडर्स के फेसेस वगैरह काव हुए हुए होते हैं, रिलीफ फॉर्म में मौजूद होते हैं। रोमन के अंदर भी ये हमें क्वाइंस इस तरह के मिलते हैं। उसके बाद है रोमन कैमियोज। अ कैमियो इज़ अ रिलीफ ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ स्टोन्स। कैमियोज माइट शो अ पर्सन और अ गॉड और गॉडेस। पीपल स्टिल वियर कैमियोज ऑन रिंग्स एंड नेकलेसेस। छोटे साइज़ की ये रिलीफ फॉर्म में या छोटा सा पेंडेंट टाइप का ये बनाते हैं जिसको होली पर्पज़ के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, रिलीजियस हवाले से भी यूज़ किया जाता है, उसको कैमियोज कहते हैं। और आज भी लोग इसको अपनी रिंग्स के अंदर और नेकलेसेस वगैरह में और उसमें पेंडेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। रोमन ग्लासवेयर, द रोमन्स वर फेमस फॉर मेकिंग ग्लास। ग्लास कैन बी मेड इन टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ग्लास इज़ यूज टूडे टू मेक मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज ड्रिंकिंग ग्लासेस, वॉजेस, कंटेनर्स, लाइट बल्ब्स एंड सो ऑन। ग्लास की इन्वेंशन भी रोमन की है, फर्स्ट टाइम वहाँ इन्वेंट हुआ। उसके बाद उस ग्लास के ऊपर बहुत सी वर्किंग भी की गई, बहुत सी खूबसूरत पिक्चर्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स भी बनाए गए और उसे ग्लास को हाउस होल्ड आइटम के तौर पर भी यूज़ किया जाने लगा और डेकोरेटिव पर्पज़ में भी। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे ये कैमियोज़ की है, राइट साइड पे भी कोने में कैमियोज़ है और ये बाकी दो तीन कॉइन्स की हैं और लेफ़्ट में ब्लू में ग्लासवेयर है रोमन का। नेक्स्ट वन इज़ आर्किटेक्चर। रोमन्स आर्किटेक्चर बहुत रिच है और बहुत ही वास्ट है। इससे पहले टाउन प्लानिंग के अंदर भी आपने तमाम चीज़ें अच्छी डिटेल के साथ पढ़ी हैं और वो उनका आर्किटेक्चर भी है। मैंने आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए टाउन प्लानिंग को सेपरेट पार्ट के तौर पर हैंडल किया है, वहाँ से ही आप पिक करके आर्किटेक्चर के अंदर वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं।
और यहाँ पे भी शॉर्टली उसको मैंने ऐड किया है ताकि अगर क्वेश्चन जो है वो आपको डिफरेंट वे में हैंडल करना पड़े तो आपके अंडरस्टैंडिंग हो। रोमन आर्किटेक्चर हैज़ अ रिच टाइपोलॉजी दैट इंक्लूड्स रिलीजियस बिल्डिंग्स। हमें क्या क्या चीज़ें आर्किटेक्चर के अंदर नज़र आती हैं, रिलीजियस बिल्डिंग जैसे टेम्पल वगैरह नज़र आते हैं, सिविल बिल्डिंग्स नज़र आती हैं जिसमें पब्लिक यूज़ में आने वाली बिल्डिंग्स हैं, बाथ्स वगैरह हैं, बेसिलिकाज हैं, फिर स्पेक्टेकल्स बिल्डिंग्स हैं यानी कि जिसमें लोग बैठकर देखते हैं या इंजॉयमेंट के लिए या फाइटिंग के लिए, या डिफरेंट जैसे थिएटर है, एम्फी थिएटर है, सर्कस वगैरह है, ये सारे स्पेक्टेकल्स में आते हैं। फिर कोमेमोरेटिव बिल्डिंग्स नज़र आती हैं जिसमें ट्रायम्फ आर्चेस, कॉलम और ये वॉल वगैरह और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। फिर डोमेस्टिक बिल्डिंग्स हमें मिलती हैं जैसे हाउसेज और विलेजेस वगैरह डेवलप हुए हैं, पैलेसेस बने हुए हैं और विलाज वगैरह बने हुए हैं। इसी तरह फ्यूनरी बिल्डिंग्स मिलती हैं जैसे टॉम्स वगैरह हैं। फिर इंजीनियरिंग वर्क्स हमें बहुत सा मिलता है जैसे एक्वाडेक्ट्स वगैरह और ब्रिजेस वगैरह, और ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग वर्क्स में आती हैं। ये सारा आर्किटेक्चर रोमन का इंतहाई नफीस, खूबसूरत, सॉलिड और परफेक्शन के साथ हमें नज़र आता है। इस स्लाइड में आप डिफरेंट आर्किटेक्चरल व्यू, ये क्लोजियम की तस्वीर है लेफ्ट साइड पे जो ऊपर और नीचे हैं, ये क्लोजियम, ओल्ड क्लोजियम की है। इसके अलावा ये टेंपल की है, आप देख सकते हैं दरमियान में जो नीचे वाली स्लाइड है ये एक्वाडक्ट्स की है, और राइट साइड पे ये डोम्स वगैरह आप देख सकते हैं। डोम के ऊपर एक होल सा ओपन है जो कि रोशनी के लिए, वेंटिलेशन वगैरह के लिए और साउंड को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। आर्किटेक्चर की करैक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी कर लेते हैं। रोमन आर्च, डोम, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और वॉल्टेड स्ट्रक्चर्स वगैरह, ये इसके ख़ास फीचर्स रहे हैं। फर्स्ट टाइम रोमन के अंदर कंक्रीट का जो है वो कॉन्सेप्ट आया एक मखसूस रेशो से, सीमेंट, रेत और उनकी मिक्सचर से मॉर्टर वगैरह बनाया जाने लगा, और आयरन को ऐड किया गया, लोहा यानी सरिया वगैरह वो डालकर फर्स्ट टाइम इस तरह की कंस्ट्रक्शंस की गई जो कि पिछली कंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा सॉलिड और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल थी। एक्वाडक्ट्स वगैरह की सीरीज़ जो है वो इरिगेशन, वाटर इरिगेशन के लिए बनाई गई, क्लोजियम्स बनाए गए, जैसा कि क्लोजियम के बारे में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसमें मुख्तलिफ जो है वो स्पेक्टेकल्स एलिमेंट्स जो है वो कवर किए गए थे। इसके अलावा डोरिक, आयोनिक, कोरिंथियन और थ्री स्टाइल के जो ग्रीक के पिलर्स थे वो, और प्लस टू दो स्टाइल इनके अपने ऐड हुए जिसको इन्होंने कंटिन्यू किया। इसके अलावा पैंथियन वगैरह टेंपल ऐसे जो कि गॉड्स वगैरह के वर्शिप के लिए बनाए गए थे। फिर कवर्ड जो है वो रिसेस्ड स्क्वेयर्स वगैरह की फॉर्म में वो डोम जो है वो बनाए गए। इसके अलावा आर्किटेक्चर के अंदर स्लाइड में आप देख सकते हैं बेसिलिकाज और मुख्तलिफ ग्रेट जो है वो इंजीनियरिंग वर्क्स वगैरह हमारे सामने आते हैं, टेंपल और पोडियम्स वगैरह और मुख्तलिफ कॉलम्स जो हैं वो शेफ्ट और वन पीस कॉलम जो हैं वो यहाँ पे डेवलप हुए, जो कि फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स और टेंपल्स जो हैं वो बनाए गए। यहाँ पे हमें कोई रिलीफ और स्कल्पचर्स जो हैं वो फ्रीजेस वगैरह के अंदर नज़र नहीं आते, बल्कि उन फ्रीज को ज़्यादातर प्लेन फॉर्म में रखा गया है। रोमन आर्किटेक्चर सारा जो है वो सॉलिडिटी और रियलिटी बेस्ड है। इसमें ब्यूटी के एलिमेंट्स जो हैं वो उसके हवाले से स्कल्पचर, रिलीफ्स या पेंटिंग्स जो हैं वो ऐड नहीं हुई हुई। ये ज़्यादातर आर्किटेक्चरल जो है वो सॉलिडिटी की तरफ ही जाता है, और उसकी यूज़ और उसके फंक्शन के हिसाब से उसको फोकस किया गया है। बिल्डिंग मटेरियल जो कॉमनली यूज़ हुआ है वो स्टोन, वुड, ग्लास, ब्रिक, कंक्रीट और फिनिशिंग वगैरह के ऊपर फोकस रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा जो एडिशन थी वो कंक्रीट रेवोल्यूशन कहा जाता है, कि इसमें इस तरह का मॉर्टर जो है उन्होंने
क्रिएट किया, मिक्सचर ऑफ लाइम मॉर्टर एग्रीगेटेड पोजोलाना वाटर एंड स्टोन्स, और उसको मिक्स करके जिसे हम बजरी रेत और सीमेंट और ये चीज़ें कहते हैं उनको मिक्स करके मॉर्टर जो है वो बनाया गया था, जो कि ड्राई हो जाने के बाद स्टोन लाइक हो जाता था और हार्ड फॉर्म में बन जाता था। उस मॉर्टर की ब्रिक्स भी यूज़ की गई और उसको एज अ बाइंडिंग मीडियम के तौर पर भी यूज़ किया गया। एक सबसे हैरत की बात यह है कि ये जो सारा मटेरियल और उसका फार्मूला था, ये जब रोमन एम्पायर को डाउनफॉल आया तो उसके साथ ही ये ख़त्म हो गया और कई अरसा दराज तक ये दोबारा डिस्कवर नहीं हुआ और उसका वो फार्मूला जो है वो गायब हो गया। फिर बहुत सालों बाद, कई सेंचुरीज़ के बाद, फ्रेंच इंजीनियर्स ने दोबारा से 1710 में एक फार्मूला जो है वो कंक्रीट का डेवलप किया, जो आज तक चला आ रहा है और उससे फिर यूज़ किया जाने लगा। पेव्ड रोड्स इसमें बनाई गई, तमाम रोड्स जो हैं वो रोम को लीड करती थीं और बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ कर्व फॉर्म में बनाई जाती थीं ताकि उनके ऊपर पानी जो है वो खड़ा ना रहे, उसको ख़राब ना करे, और लेयर्स की फॉर्म में मुख्तलिफ मटेरियल्स को यूज़ किया जाता था और रोड्स की एक जाल बिछा हुआ था पूरे कंट्री के अंदर, और रोड्स के स्ट्रॉन्ग होने के वजह से जो ट्रेडिंग थी वो बहुत सक्सेसफुल थी, जिसकी वजह से इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग थी। और द सेंट्रल एंड हाईएस्ट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट वाज कन्वेक्स टू कंडक्ट द वाटर टू द डिचेस दैट वर बिल्ट इन द साइड्स, ताकि पानी जो है वो रोड्स को ख़राब ना करे। फिर रोड्स के बाद ब्रिजेस जो हैं वो डेवलप हुए, रोमन इंजीनियर्स वर द मास्टर बिल्डिंग देम सिंस कंस्ट्रक्शंस वर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर reaching places and cities often situated at the bank of rivers. ये bridges usually drainage वगैरह के लिए भी use किए जाते थे और बड़ी paved form में और ashlars masonry style में बने हुए थे, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो pillars हैं, rectangular pillars वगैरह bases के लिए use किए जाते थे। इसके बाद एक्वाटेक्ट्स हैं, एक्वाटेक्ट्स जो कि वाटर को कैरी करती थी और बहुत सी सीरीज़ ऑफ आर्चेस थी और ताकि उसके वेट को पानी के कैरी करें, और टनल्स की फॉर्म में ये बनी हुई थी। फिर वॉल्स हैं, वॉल्स मुख्तलिफ अशलर स्टाइल की और मेसनरी स्टाइल जो है वो दो तीन तरह के चल रहे थे, जिसमें मुख्तलिफ टेक्निक के साथ कंक्रीट को यूज़ करके और ब्रिक्स वगैरह को यूज़ करके वॉल्स डेवलप हुई हुई थी, और ये बड़ी सॉलिड थी और डिफेंस को बढ़ाती थी। रोम के इर्द गिर्द भी एक बड़ी वॉल बनी हुई थी ताकि उसको डिफेंस जो है उसका किया जा सके। फिर फोरम्स बने हुए थे, फॉरम्स वर कल्चरल सेंटर्स इन सिटीज़, जैसा कि आपने टाउन प्लानिंग में भी फॉरम्स के बारे में पढ़ा है कि जिसमें टेंपल्स वगैरह थे और मुख्तलिफ सर्कस वगैरह से रिलेटेड थिएटर्स वगैरह बने हुए थे और स्पेक्टेकल्स बिल्डिंग्स बनी हुई थी, एम्फी थिएटर्स वगैरह, और ये सारे उसमें कंस्ट्रक्ट हुए हुए थे। फिर आ जाता है रिलीजियस टेंपल्स, मुख्तलिफ जगहों पे रिलीजियस टेंपल्स जो कि ग्रीक के मॉडल्स को कॉपी करके बनाए गए थे, जिसमें पोर्टिको और बाहर वाली वॉल वगैरह मौजूद थी, और इसके अलावा डिफरेंट सेला इज़ टोटली क्लोज्ड, इट इज़ बिल्ट ऑन अ पोडियम। तो वर्शिप प्लेसेस जो हैं वो ये थी और इनको बड़ी सेक्रेट जगह बनाई गई थी। Pantheon was a temple to worship all the gods. The outside of the Pantheon had two major parts, the portico and the dome. The inside had a hole or eye in the ceiling called an aqueous. The aqueous let light in day and night. जैसा कि वो dome form में बना हुआ था और उसके ऊपर एक hole सा होता था
जैसा कि आपने पीछे स्लाइड में इमेज में देखा है। फिर सिविल बिल्डिंग्स थी जिसमें बेसिलिका वगैरह था, और उसके बाद बाथ्स थे जो कि मोर देन 100 बाथ्स थे जो एंटरटेनमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ होते थे, और वॉल्स वगैरह बनी हुई थी बैरल फॉर्म में, एज फॉर्म में मुख्तलिफ वॉल्स जो है वो बनी हुई थी। इसी तरह स्विमिंग पूल और जिमनेजियम, लाइब्रेरी वगैरह, मसाज रूम्स वगैरह, ये सब बाथ्स के साथ अटैच थे और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते थे। फूड वगैरह भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। डिफरेंट स्पेक्टेकल्स बिल्डिंग्स थीं जिसमें थिएटर, एम्फी थिएटर और इस तरह की सर्कस वगैरह की, और ग्लैडिएटर्स की फाइटिंग की और बीस्ट की फाइटिंग वगैरह की, सारी वहाँ पे इवेंट्स होते थे। और इसमें भी ज़्यादातर हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस नज़र आता है इन बिल्डिंग्स के ऊपर। इनमें आर्चेस हैं, विंडोज़ हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है ये, और सेमी सर्कुलर फॉर्म में भी हैं, ओवल में भी हैं और सर्कुलर फॉर्म में भी हैं, जो कि बड़ा इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती थी और डिफेंस भी प्रोवाइड करती थी, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल किस्म के इवेंट भी यहाँ पे होते थे। कोमेमोरेटिव मोनूमेंट्स में ट्रिम्फलर आर्चेज वगैरह हैं। आर्च फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, मुख्तलिफ तरह की आर्चेज के स्पेसिफिक साइजेस थे, और उन आर्चेज को मैथमेटिकली उसके डायमीटर के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया जाता था। आर्चेज वर यूज्ड नॉट ओनली फॉर कमेमोरेटिंग रोमन विक्ट्रीज और मिलिट्री जनरल्स, दे आल्सो मार्क्ड लिमिट बिटवीन प्रोविंशियल बॉर्डर्स। हर जगह पे एक से दूसरे को डिफरेंशिएट करने के लिए भी ये आर्चेस जो हैं वो बनी हुई थी, और इन आर्चेस के ऊपर इंस्क्रिप्शंस थी जो कि मुख्तलिफ एम्परर्स की स्टोरीज को बताती थी। इसके बाद कॉलम्स हैं, कॉलम्स जैसा कि ग्रीक कॉलम्स को भी कैरी किया गया है, और उसके ऊपर मुख्तलिफ रिलीव्स वगैरह भी हैं। कुछ कॉलम्स जो हैं उनको लीव्स के साथ डेकोरेट किया गया है, और वो मुख्तलिफ लीडर्स के लिए या ख़ास सिटीजन्स के लिए या एम्परर्स वगैरह के ऑनर में वो रिलीव्स जो हैं वो एक सीरीज़ फॉर्म में बनी हुई हैं। फिर पैलेसेस हैं, देयर वर द रेजिडेंस ऑफ द एम्परर, दे कंसिस्टेड ऑफ अ न्यूमरस सीरीज ऑफ रूम, their plan tended to be regular. houses हैं, मुख्तलिफ तरह के houses जो हैं वो हमें romans के अंदर मिलते हैं, जिनमें multi story houses हैं, flat की शक्ल के, poor लोगों के लिए और rich people के लिए बड़े size के जो हैं वो houses मौजूद थे, जैसे urban villas वगैरह हैं, और इसके अलावा farm houses हैं जो कि उससे एडजेसेंट थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होती थी, और इनके तमाम मुख्तलिफ एरियाज़ को कुछ ग्रीक्स को फॉलो करके बनाया गया है। मुख्तलिफ तरह के चैम्बर्स इसके अंदर मौजूद थे। प्लीज़ रीड द स्लाइड। हाउसेस में मुख्तलिफ टाइप के हैं, सोला है, विला है। विला जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़े एरिया के ऊपर फैला हुआ विला, और विना विला रस्टिका शहर से बाहर एडजेसेंट जो है वो बनाए जाते थे। जबकि इन सोला जो हाउसेस थे उसमें फ्लैट्स की फॉर्म में ऊपर स्मॉल रूम्स और हाउसेस थे, और नीचे जो अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए होते थे, और नीचे उनकी एक ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स की जो है वो एक सीरीज बनी हुई होती थी। फिर है पोर्ट्स एंड लाइट हाउसेस, रोमन शिप्स एंड, क्यों चूँकि ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर था इसलिए यहाँ पे शिपिंग भी बहुत ज़्यादा थी, और सारी ट्रेड जो है वो शिप्स के ज़रिए होती थी, और गेट वगैरह को और ब्यूरेक्स को और इन सब को कैरी करने के लिए लाइट हाउसेस जो है वो बनाए गए थे, ताकि
शिप्स को भी वो बाकायदा तौर पर गाइड कर सकें और अपनी ट्रेड को जो है वो सक्सेसफुल कर सकें। ऐसी रोड्स भी थीं जो शिप से सामान लाने और शिप तक पहुंचाने के लिए यूज़ होती थी, और मशीनरी वगैरह की लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो यूज़ होती थी वो बाकायदा यहाँ पे उसकी अरेंजमेंट थी पोर्ट्स वगैरह के ऊपर। ये रोमन क्लासिकल ऑर्डर्स के जो हैं मेजरमेंट्स वगैरह हैं, जिसमें डोरिक, आयोनिक, कोरिंथियन ऑर्डर्स हैं, और उसके अलावा कंपोजिट ऑर्डर्स और टस्कन ऑर्डर्स, ये दो ऑर्डर्स जो हैं वो रोमन के ऐड किए हुए हैं। प्लीज़ रीड द स्लाइड केयरफुली। रोमन डोरिक ऑर्डर्स जो हैं वो ऑलरेडी आपने ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर भी पढ़े हैं, और वो ऑलमोस्ट उसी फॉर्म में उसको कैरी किया गया है। ये उसकी मेजरमेंट्स वगैरह हैं और उसकी सारी उसकी शेप्स हैं। इसकी डायग्राम भी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर आयोनिक हैं जो ऊपर से सजे हुए होते हैं कर्ल फॉर्म में और लीव्स की फॉर्म में, जिनकी टॉप जो है वो डेकोरेटेड होती है और उसके ऊपर फ्लूट्स वगैरह बनी हुई होती हैं। इसके साइजेस दूसरे से डिफरेंट हैं। इसके ऊपर ऐसे लाइंस की शक्ल में कॉलम बना हुआ होता है, और डोरिक से ये निस्बतन थिन है। डोरिक जो है वो थिक फॉर्म में है। फिर कोरिंथियन ऑर्डर्स हैं, जिसकी बेस भी लाइटली जो है वो स्टेप में बनी हुई होती है और डेकोरेटेड होती है, और टॉप भी जो है वो डेकोरेटेड है, जो दोनों डोरिक और आयोनिक का मिक्सचर है। बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स इसके ऊपर अक्सर बनाए जाते हैं और रिलीफ्स वगैरह डेकोरेट करने के लिए बनाई जाती हैं। रोमन कंपोजिट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आप देखें, इट वाज यूज्ड इन ट्रेम्फल आर्चेस, इट हैज़ एन एटिक बेस, अपर एंड लोअर टॉरस, मोल्डिंग सेपरेटेड बाय स्कॉटिया एंड फिलेट्स, 24 फ्लूट सेपरेटेड बाय फिलेट्स, द कैपिटल इज़ कम्बिनेशन ऑफ वॉलेट्स ऑफ आयोनिक एंड अकेंटस लीव्स ऑफ कोरिंथियन। ये ज़्यादातर आर्चेस वगैरह बनाने के साथ यूज़ किए जाते थे। जब आर्च बनानी होती थी तो इस तरह का कंपोजिट किस्म का पिलर यूज़ किया जाता था। फिर है टस्कन, जो कि इस फॉर्म में, जैसे कि इस इमेज में राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इस फॉर्म में ये इन्वेंट हुआ था और इस तरीके से इसको बनाया जाता था। और उसकी मेजरमेंट्स ये 7D हाई है, हाफ डी उसकी कैपिटल है, और बेस जो है वो भी हाफ डी है। इसके ऊपर कोई ऑर्नामेंटेशन वगैरह नहीं की जाती थी, बल्कि ये सिंपल और सादा फॉर्म में बनाए जाते थे। दीज आर द इमेजेस ऑफ डिफरेंट पिलर्स। ये इस कंस्ट्रक्शन के जनरल फीचर्स हैं जो कि रिव्यू के लिए मैंने डाले हैं। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा इस स्लाइड को पढ़ के उसका रिव्यू कर लें। आर्किटेक्चर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रोमन टाउन प्लानिंग है। टाउन प्लानिंग का फुल फ्लेज पार्ट भी आपने पढ़ा हुआ है कि टाउन प्लानिंग क्या थी और कैसी थी और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी। यहाँ पे उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पॉइंट्स की शक्ल में इसमें स्लाइड में डाल दी गई हैं। यहाँ पे आपको पता है टाउन प्लानिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप था, रोड्स थी और डिफेंस सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट थी, इंटरटेनमेंट के लिए जगह मौजूद थी, और पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए मौजूद थी, शॉप्स वगैरह मॉल्स वगैरह बने हुए थे, और फिर उसके अलावा स्टेडियम्स वगैरह मौजूद थे, और फुल जो एक डेवलप्ड सिटी की करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।